हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं हलषष्ठी व्रत की पूजा का पूरा ब्लॉग लेके आई हूँ और इस व्रत को सभी माताएं बहनें अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं और आज मैं भी ये व्रत रखी हूँ। तो आज इसी पूजा का मैं पूरा वीडियो दिखाने वाली हूँ और तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्या क्या इसमें विधि है, क्या क्या सामान लगती है। और ये देखिए, मैं ये वाला साड़ी पहनने वाली हूँ और इसकी मैचिंग चूड़ी भी निकाल के रखी हूँ पूजा में जाने के लिए, तैयार होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं फाइनली तैयार हो गई पूजा में जाने के लिए। और ये देखिए मेरा पूजा का सामान और उसमें क्या क्या सामग्री लगती है, चलिए बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले लाई, इसमें लाई लगता है और 6 प्रकार का अनाज है ये मिक्स वाला, और दूध, दही, घी और पसहर चावल, फूल, नारियल, अगरबत्ती, बेलपत्ती और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये 6 प्रकार का भाजी मिक्स वाला, ये देखिए। तो यहाँ पर मेरा पूजा का थाली तैयार हो गया और मैं आ गई गार्डन में। तो ये देखिए, तालाब बनाया गया है, इसको सगरी बोलते हैं और इसको चारों तरफ से सजाया गया है और इसी में पानी भरकर हम लोग पूजा करेंगे। और ये देखिए, बच्चों के लिए बाटी, भौरा, ये खिलौना भी बनाते हैं इस पूजा में, और शिवलिंग भी है, पार्थिव शिवलिंग। तो ये देखिए, यहाँ पर उस सगरी को सजाया जा रहा है। तो ये देखिए, फाइनली हम लोग का पंडाल तैयार हो गया है और ये हमारे कॉलोनी का गार्डन है, वहीं पर बीच में हो रहा है ये पूजा और बच्चे खेल रहे हैं। देखिए गार्डन का नज़ारा और बहुत अच्छा लग रहा है। आज हलषष्ठी व्रत की पूजा होगी यहाँ पर, तो धीरे धीरे सब लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर। और सब ये देखिए, वो जो तालाब बनाया गया है ना, उसमें सब पानी भर रहे हैं, ऐसे बनाया जाता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए पार्थिव शिवलिंग, और सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा होगी। पंडित जी आ गए हैं और गौरी गणेश की पूजा करने के बाद पार्थिव शिवलिंग की पूजा होगी, उसके बाद जो तालाब बनाए हैं सगरी बोल रहे हैं ना, उसकी पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग कहानी सुनेंगे, पंडित मधुरम स्वाद उत्तम उपहार समायुक्तम नैवेद्यम प्रतिगृहीतम नैवेद्यम निवेदयामि नमः नैवेद्यम चार्थे मुखशुद्ध्यर्थम मध्ये पानी जलम आचमनीयम जलम शीतलीकरणम समर्पयामि नमः ऋतुफलानि समर्पयामि नमः नारिकेलफलानि समर्पयामि नमः इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरतस्तव। अच्छे से तैयार और सब एक साथ मिलके पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, भक्तिमय माहौल। और ये पूजा बहुत अच्छा लगता है। ये मैं देखिए, और यहाँ पे देखिए सबकी थाली सजी हुई है। तो ये पूजा अब संपन्न हो गई और सब प्रसाद लेके अपने अपने घर जाएंगे और